हेलो एवरीवन वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप सो एज़ यू ऑल नो हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसमें हर वेडनजडे और थर्सडे को हम हिमाचल रिलेटेड जो आपका कंटेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स जो भी आपके हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रिलीज कर रही है उसके लिए आपको हेल्पफुल हो हमने ये इनिशिएटिव शुरू करा था वेडनेसडेज़ वी आर कवरिंग आपका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो एंड ऑन सैटरडेज वी आर गोइंग टू कवर आपका जो करंट अफेयर्स कोर हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो ठीक है जी हमने मार्च तक के जितने मार्च अप्रैल तक के जितने आपके करंट अफेयर्स है वो कवर कर लिए हैं एंड फ्रॉम दिस वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी थरो कवरेज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश हम हर क्लास में हर लेक्चर में आई डोंट वॉन्ट यू टू बी ओवरबर्डनड विद इट ठीक है सब कुछ इकट्ठे डंप नहीं करेंगे तो हर वीक हम एक चैप्टर कवर करेंगे बिट्स एंड पीसेज में करेंगे बट होलिस्टिकली करेंगे ताकि आपका ओवरऑल कवरेज हो जाए एंड देन यूल रियलाइज कि इकोनॉमिक सर्वे से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रिलिम्स में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर मेन्स इन एग्जाम्स ठीक है जी एंड बिकॉज वी हैव बिन रिसिविंग ट्रमेंडस रिस्पॉन्स यू गाइज तो आई जस्ट टेल यू बड़ा रैपिडली हम हिमाचल प्रदेश के लिए आपका एक जी कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं दीज आर द बुलेट पॉइंट्स ठीक है हम 40 ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपको लाइव डाउट सेशंस रहेंगे टेस्ट सीरीज देंगे प्री एंड मेंस की दो दो ईच एंड उसके बाद पॉसिबली विल एक्सपांड दम डिपेंडिंग अपॉन आपकी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन क्या आती है ठीक है आपको डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर चीज़ के सो दैट मल्टीपल सोर्सेज से कॉन्सेंट्रेट uh, करके हम आपको एक जगह पीडीएफ नोट्स देंगे ताकि आपको बलोखरा या और भी जितनी बुक्स हैं उनसे बार बार रेफरेंस ना लेना पड़े प्रीवियस ईयर्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस होगा एंड वो वाले आंसर्स हम डिस्कस करेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी अबाउट विल बी हैविंग अ पर्सनल गाइडेंस डेडिकेटेड टीम फॉर यू गाइज ठीक है नॉमिनल्स सी फीस चार्ज कर रहे हैं हम इसके लिए एंड जो इसका uh, रजिस्ट्रेशन लिंक है दैट यू कैन फाइंड इन आर टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो की भी जो पी डी एफ है फाइंड इट इन टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी सो टुडे विल स्टार्ट विद इकॉनमिक सर्वे आपका चैप्टर वन डिस्कस करेंगे आज सो लेट सी क्या है ठीक है तो ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कवर पेज पे थी वी आर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का महोत्सव आज़ादी का महोत्सव लेके सब जगह इसका सेलिब्रेशन चल रहा है तो इकॉनमिक सर्वे भी इस चीज़ को डेडिकेटेड है ठीक है जो इकॉनमिक सर्वे आपका ये कंडक्ट करता है इकॉनमिक एंड स्टेटस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है जी इकॉनमिक एंड स्टेटस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करता है एंड इकोनॉमिक सर्वे आपका जो होता है वो दिस इज़ फॉर करंट ईयर एंड दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू जो आपका बजट आएगा ना दैट कम्स फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री लेकिन इकॉनमिक बजट क्या है आपका फ्यूचर प्रपोज करता है कि दिस इज़ द प्रपोज बजट इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली आपका क्या डिस्कस करता है कि पिछली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं उनके क्या इम्पैक्ट्स रहे क्या प्रपोज था क्या हमने अचीव करा एवरी थिंग ठीक है तो ईयर का डिफरेंस यूल रिमेंबर इकोनॉमिक सर्वे आपका एक ईयर पीछे चलता है डिलिब्रेशन में एंड जो आपका बजट है वो आगे चलता है हम आगे आने वाले सेशंस में बजट भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो कुछ बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं कवर पेज पे ही मेंशन है आ, जो Uh, कौन है आपके इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर विनोद कुमार राणा बहुत सारे ना डायरेक्ट एमसीक्यूज सी में आ जाते हैं तो इट वाज देयर डायरेक्ट क्वेश्चन पर्सनालिटी से रिलेटेड आ जाता है सो इकोनॉमिक सर्वे का जो कवर पेज है उस पर था डॉक्टर विनोद कुमार राणा है ही इज़ अ वेरी हाईली रिप्यूटेड पर्सन एंड ही इज़ करंटली इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है अब जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक सर्वे आपका प्रोवाइड करता है स्टेट्स की जो अचीवमेंट है ठीक है स्टेट्स की जो अचीवमेंट है पिछला प्रपोज्ड बजट था उस पर स्टेट ने क्या अचीव करा ऑल्सो ये आपको देता है एक रोड मैप टू द वे अहेड कि आगे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है एंड आगे गवर्नमेंट किन किन एरियाज़ को टारगेट करके वहाँ पे स्कीम्स ला सकती है एंड लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है ठीक है तो करंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें है सिक्सटीन चैप्टर्स जो आपके इकॉनमिक सर्वे है ये है आपका दो पार्ट्स में दो पार्ट्स में है जो पहला पार्ट है दैट गिव्स यू डिटेल्स अबाउट योर स्कीम्स क्या क्या प्रपोज था एंड योर सेकेंड पार्ट गिव्स यू डिटेल्स अबाउट योर स्टेटिस्टिकल डाटा ठीक है जितने भी फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं वो सब आपके पार्ट टू में रहते हैं नाउ जो स्टेटिस्टिकल डाटा है ये मेजर सेक्टर्स का होगा सारा मेजर सेक्टर्स आपके कौन कौन से हो गए सोशल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बैंकिंग इम्प्लॉयमेंट या प्राइसेज प्राइसिस इंक्लूड जी ऑर डब्ल्यू पी आई सी पी आई है ना होलसेल प्राइस इंडेक्स सी पी आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंबाइंड जो लेबर वर्क फोर्स फोर्स का जो स्टाटस है वो इट थ्रोज लाइट ऑन एवरी थिंग ठीक है अब अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की बिकॉज हिमाचल से अल्टीमेटली वी कंपेयर इंडिया की इकोनॉमी से हिमाचल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एंड ओवरऑल अगर इंडिया की इकोनॉमी है तो वो कहाँ लाई कर रही है उसके कंपैरिजन में हिमाचल की इकॉनमी कहाँ लाई कर रही है तो अगर आप देखिए इंडियन इकॉनमी इट्स शोड अ कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन मतलब आ, डाउनफॉल रहा नेगेटिव ग्रोथ द इंडियन इकॉनमी इट शोड अ कंट्रैक्शन ऑफ 6.6 परसेंट आपके लास्ट ईयर में ओइंग टू जो आपका कोविड पैंडमिक था कोविड पैंडमिक में जो आपकी मेजर ह्यूमन कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें थी वो एकदम बंद हो गई ठीक है लॉकडाउन लग गया था तो आपकी इंडस्ट्रीज और इकॉनमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है उससे ठीक है तो वह जो प्रॉब्लम्स आई हाँ, उनका इम्पैक्ट आया वो डिस्कस करा गया है एंड जो इसकी नीड है और ग्रोथ है वो डिस्कस करी गई है ठीक है जी अब जो इंडिया की स्टेट है जो आपकी कंट्री uh, है उसके जो एफर्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में कंसिडरिंग इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन एज़ वेल अब नेगेटिव ग्रोथ रेट किस किस एरियाज़ में रहा आपका माइनिंग में रहा क्वारिंग मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसज में ये डिटेल्स जो हैं ये आप सारी पी डी एफ में पढ़ सकते हैं इन इन एरियाज़ में कंट्रैक्शन मिल के आया है ठीक है अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आई होप यू नो वट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम द पॉइंट ऑफ यूर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ योर एग्ज़ाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ लिस्ट ऑफ टारगेट्स दैट वर गिवन बायर यूनाइटेड नेशंस एंड इनकी जो अप्रॉक्स टाइम लिमिट थी वो ट्वेंटी थर्टी की दी गई थी तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट जस्ट इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं फ्रेम करती हैं जो उनका फर्दर प्रोसेस चलता है दैट इज़ इन रिगार्ड टू बीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेलफेयर प्रोग्राम्स जितने हैं वो इनकी लाइन पे इनको ध्यान में रख के आगे दिए जाते हैं ठीक है तो अब जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट ऑफ प्रोग्राम लाइन रखी है उसका नाम लिखा है हिमाचल प्रदेश दृष्टि 2030 तो ये हिमाचल गवर्नमेंट का है ट्वेंटी थर्टी टाइम लाइन थी क्या अचीव हुआ ये जब तक ट्वेंटी थर्टी आएगा तब तक हम इसके पैरामीटर्स को नाप पाएंगे तो एच पी गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू हिम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका नाम इन्होंने दिया है एच पी दृष्टि ट्वेंटी थर्टी तो लेट्स सी कि क्या क्या हमने अचीव करा और क्या क्या वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो अच्छा बहुत सारी ना इकोनॉमिक सर्वे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नहीं पढ़ना होता बट यूल रियलाइज कि कितनी चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती हैं हम अभी चैप्टर वाइज कवर करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस जो आपके रह जाते हैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपकी रह जाती हैं वो अल सारी ट्राई uh, कि आपका सारा कवर हो जाए कुछ भी छूटे नहीं तो इसलिए आई एम नॉट कम्बाइनिंग तीन चार चैप्टर इकट्ठे uh, हर वीक एक चैप्टर करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि विद इन टू मंथ्स फ्रेम हमारा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सारा पूरा हो जाएगा ठीक है अब आते हैं अपनी थोड़ी डिटेल्स पे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं ये आपका ग्रोथ एट बेसिक प्राइसेस दिया हुआ है कब जो आपका बेस ईयर है इन्होंने इन, लिया है 2011-12 प्राइसेस का तो अगर आप इंड, ये आ, आपकी एक जो कॉलम है वो दिया हुआ है इस साइड आपका इंडस्ट्री का ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है कौन से ईयर में 2019 में एंड ये 2020 2021 में तो अगर आप कंपेयर करो एग्रीकल्चरल शोड अ डाउनफॉल ठीक है देन माइनिंग एंड क्वारिंग इट शोड अ ह्यूमंगस डाउनफॉल वही जिसमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा आपकी नीचे आती गई देन इफ़ यू कंपेयर मैन्युफैक्चरिंग उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव आई है बिकॉज जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी आपकी फॉर एग्जाम्पल फूड या एम एस एम ईज वो वर्क फंक्शन करती रही भले ही लॉकडाउन था लेकिन खाना प्रोड्यूस हो रहा था तो एजेंशियल सर्विसेज में जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो फंक्शन करती रही तो हेयर इट शोज अ बिट ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ ठीक है देन आप आओ इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी में तो इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहा राइट right? एज कंपेर टू देयर प्रोडक्शन अच्छा इलेक्ट्रिसिटी तो चलो इंडिया की इनिशियल खुद प्रोड्यूस्ड है दिस ऑल्सो कम्प्राइजेज ऑफ द ह्यूज ग्लोबल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑफ कोल प्राइसेस ठीक है कोल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे इंडिया में बीच में एक न्यूज़ आई थी कि कोल जो हमारे पास है सिर्फ नेक्स्ट टू मंथ्स के लिए सस्टेन करने के लिए बीच में कट्स भी बहुत लगे ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट यू कैन सी इन कोल गैस जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं सी एन जी वगैरह वाटर सप्लाई डिसरप्ट हुई बिकॉज एवरी थिंग इज रेगुलेटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में काफ़ी हद तक इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स एंड आपकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं वेदर इट इज सीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे ऑल ऑपरेट बेसिकली वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल राइट अदर यूटिलिटी सर्विसेज आपकी जितनी भी हैं फॉर एग्जाम्पल आटा बन रहा है तो आटा बनाने के लिए भी एनर्जी कहाँ से आ रही है दे कंज्यूम कोल सो दे वर बींग रनिंग बट उसमें इसलिए वी सो नेगेटिव ग्रोथ रेट जितना उसमें पॉजिटिविटी आ सकती थी उसके कंपेरिजन में ग्रोथ रेट नेगेटिव गया है देन कंस्ट्रक्शन में इफ़ यू सी कितना डाउनफॉल आया बिकॉज लेबर जितनी थी आपकी घर बैठी हुई थी ठीक है दे कूड गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट सब कुछ बंद पड़ा था तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आया देन ट्रेड्स होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बिकॉज टेक अवेज कुछ पॉइंट तक ओपन थे जो छोटी जगह थी इसी बड़ी सिटीज़ में फाइंड स्विगीज जोमेटो एंड डिलीवरी ऑप्शन बट छोटी जगह पर ढाबे होते हैं जो छोटे छोटे ओनर्स होते हैं बिकॉज टूरिज्म बंद हो गया था तो आपका जो ये रेस्टोरेंट्स थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये बिल्कुल बंद हो गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डाउनफॉल आया है फ्रॉम प्लस सेवन पॉइंट वन टू नेगेटिव ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो दिस शोज़ योर ह्यूज इम्पैक्ट देन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग इसमें आप देखो ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज़ एवरी अगेन टूरिज्म बंद था सिर्फ एजेंशियल सर्विसेज जा रही थी तो यू कैन सी द डिफरेंस नेगेटिव 15.3 तक पहुंच गया ये ठीक है देन फिनंशियल सर्विसेज इज़ द सेक्टर जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुआ ग्रोथ हुआ बिकॉज जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थे दे टुक ह्यूज बूम ठीक है तो यहाँ पे यू कैन सी पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्योंकि जितनी भी बिकॉज बैंक्स में भी जो कैश था वो लिमिटेड लोग खरीद रहे थे जितना लिमिटेड uh, लोग निकाल रहे थे राइट right? एंड उससे पहले भी पीपल हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स जो आपकी टोटल कैशलेस इकॉनमी होती है काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स पीपल आर यूज टू इट तो वहाँ ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है देन जो आपके रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज थी उसमें आप डाउनफॉल देख सकते हैं ठीक है रियल एस्टेट रिलेटेड जो बिल्डर्स वगैरह थे बिकॉज कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है तो वहाँ पे कितना डाउनफॉल है देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में भी बिकॉज वही लिमिटेड आपका कंटैक्ट था ह्यूमन कंटैक्ट था तो वहाँ पर भी नेगेटिव uh, में नहीं गया है बट देर हैज़ बिन अ डाउनफॉल देन अगर आप अदर सर्विसेज अदर सर्विसेज एज एन जो भी आपकी नॉन एजेंशियल सर्विसेज हैं अगर आप उसको कम्बाइन करके देखें तो उसमें कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आया टोटल ग्रोथ रेट देखें अगर आप तो इसका डिफरेंस अराउंड वन परसेंट सॉरी इसका डिफरेंस थ्री पॉइंट एट से नेगेटिव फोर पॉइंट एट तक गया है सो so, ये आपके जो ग्रोथ प्राइस एट बेसिक है ईयर याद रखेंगे बेस ईयर क्या है आपका अगर आप इसकी कंपेरिजन्स करें तो यू कैन कंक्लूड कि करंटली हिमाचल की इकॉनमी का क्या स्टेटस है ठीक है अब नेक्स्ट अपना अगर हम देखते हैं तो एडवांस जो एस्टिमेट्स हैं ठीक है ठीके? जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं इकॉनमी के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 9.2 परसेंट इन ईयर 2021 2022 आफ्टर जो कंट्रैक्शन हुआ है इस ईयर में ठीक है करंट ईयर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ग्रोथ आएगी 9.2 परसेंट की अगर प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे आप 9.2 याद रखेंगे जो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ना कंपेरेटिवली कम आ रहे हैं बट दे स्टिल अपेयर इन योर एग्जाम तो ये याद रखेंगे देन अग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स हैं ये लीस्ट इम्पैक्टेड थे बिकॉज गाँव में थे वैसे भी किसान अपने खेत में लगा रहता है तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट टू अदर पीपल वैसे भी आपका बहुत रिड्यूसड रहता है ऑल्सो अग्रीकल्चर वॉज अलाउड ठ ठीक है खेतों में रिमोट एरियाज में पीपल वर अलाउड टू वर्क तो दिस सेक्टर वॉज लीस्ट इम्पैक्टेड एंड जो इसकी ग्रोथ है वो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.9 परसेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर ऑफ 3.6 परसेंट ठीक है सर्विसेज सेक्टर जिसमें ह्यूमन कंटैक्ट सबसे ज़्यादा होता है दैट वाज द हार्डेस्ट हिट बाय पैंडमिक एंड अभी करंटली इसका जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड ऑफ 8.2 परसेंट जबकि लास्ट ईयर में इसका जो ग्रोथ रेट है वो 8.4 परसेंट था ठीक so, है सो ये डेटा है अमाउंट ऑफ ये कंपेरेटिवली कंपेरिजन्स के लिए दिस विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग ऑल्सो अगर प्रोलम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है तो ये गलत नहीं करके आएंगे नाउ हिमाचल की इकॉनमी अगर आप देखें हेयर योर एस आर ई रेफर्स टू सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट्स एंड एफ आर ई इज फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स ठीक है तो अगर आप सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट्स और फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स का कंपैरिजन देखें यहाँ पे तो सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट्स हैं ये एक डिक्रीज दिखाते हैं 1.6 परसेंट का एज़ कंपेयर टू 1.3 परसेंट ऑफ़ फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स ठीक है एंड अगेन कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन दिस य मल्टीपल सेक्टर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑन द ग्लोबल लेवल दो आपका जो कंट्रैक्शन है दैट वाज शोन हिमाचल इकोनॉमी में अराउंड फाइव पॉइंट टू परसेंट का तो अगर आप इंडियन इकॉनमी से कंपेयर करें हिमाचल की इकॉनमी को तो इंडियन इकानमी में इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है हिमाचल की स्टिल कंडीशन हैज़ बिन कंपेरेटिवली बेटर अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखते हैं तो एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड स्टिल टू ग्रो बाई एट तो अगर प्रिलिम्स में आता है कि आपका ग्रोथ परसेंट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ड्यूरिंग ईयर 2021-2022 तो यू विल से इट इज 8.3 परसेंट ठीक है इतना फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आते हैं बट आपका आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा आंसर राइटिंग इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ऑल्सो अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप गलत नहीं करोगे देयर अगर आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन पुटअप करा जा रहा है एंड होता ही है इंटरव्यू में एक आधा क्वेश्चन इकोनॉमी का तो आप वहाँ ये चीज़ गलत नहीं करेंगे ठीक है अब जो डिक्रीज है इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइसिस कॉन्स्टेंट प्राइसिस पे इट इज़ मेनली मेनलीट्रीब्यूटेड टू ट्वेल्व परसेंट ठीक है ट्वेल्व परसेंट डिक्रीज इन प्राइमरी सेक्टर 6.6 परसेंट डिक्रीज इन सेकेंडरी सेक्टर ठीक है एंड 10.6 परसेंट डिक्रीज इन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आपके अदर सेक्टर्स हैं कम्युनिकेशन जिसमें ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है सिर्फ दो सेक्टर ऐसे रहे हैं जिसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है हमने योर फर्स्ट सेक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड कम्युनिटी एंड जो आपका सेकेंड सेक्टर है वो है पर्सनल सर्विसेज उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 4.5 परसेंट एंड फाइव पॉइंट वन परसेंट रिस्पेक्टिवली रजिस्टर करिए ठीक है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में गया है आपका फोर पॉइंट फाइव एंड सर्विसज में आपका गया है फाइव पॉइंट वन परसेंट प्लीज़ रिमेंबर दिस आई नो इकॉनॉमिक सर्वे इज समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बोरिंग बट ये आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू हैव बिन कवरिंग इकोनॉमिक सर्वे फॉर अ कपल ऑफ ईयर ना तो दस एवरी थिंग making मेकिंग सेंस मे you're यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि ये क्या डिस्कस हो रहा है बट इफ़ यू स्टडी इफ यू गेट टाइम इफ यू स्टडी पिछले साल का भी इकोनॉमिक सर्वे एंड इफ यू आर for फॉर नेक्स्ट ईयर अगर आप नेक्स्ट ईयर का भी इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे ना एंड दोनों के कंपेरिजन्स देखेंगे तो थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग अलॉट मोर सेंस टू यू की वाई वी आर डिस्कसिंग दिस एंड इतना इसका ग्लोबल इम्पैक्ट से हिमाचल की इकॉनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया की इकॉनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है एंड हाउ इट इफेक्ट्स पीपल इन जनरल ठीक है अब जो करंट एस्टिमेट्स हैं आपके इनके अकॉर्डिंग अप टू डिसम्बर जो इकॉनॉमी ऑफ स्टेट है दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई एट पॉइंट थ्री परसेंट एंड दिस इज प्रति गुड फॉर इंडिकेटर दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट बाय हिमाचल प्रदेश एंड जो आपकी हिमाचल प्रदेश की इकोनमी है इट इज शोन अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज अच्छा इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपकी जो है वो बहुत इंडस्ट्रीज़ हब सेटअप हो गया है फार्मा कंपनीज़ का इफ़ यू सी ये सोलन वाली बेल्ट है जो ठीक है uh, बद्दी परवानू यहाँ पे अगर आप देखो तो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी जो एम फॉर एग्जाम्पल घड़ी की कंपनीज है वगैरह इनके जो बेसिक स्पेयर पार्ट्स बनते हैं वो बनते हैं ठीक है देन देर आर फार्मा कंपनीज़ इन परवानू एज़ वेल सोलन ठीक है देन जो आपकी ये सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ है सर्विसेज में आपका टूरिज्म आ जाता है ठीक है तो ये वाली इंडस्ट्रीज uh, की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है हिमाचल का बिकॉज़ एग्रीकल्चर सब जगह पॉसिबल नहीं है अभी अगर आप स्पीति चले जाते हो तो वह एग्रीकल्चर एक एक्सटेंड तक हो सकता है वो भी इतना ही होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग हो ठीक है तो बेसिक जो लोगों की इनकम है इट इज़ ड्रिवन बाय आपका सर्विसेज सेक्टर टूरिज्म से या वहाँ पे जो सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग उससे स्टार्ट होता है तो दैट इज हाउ दिस इज सीन एज अ रिमार्केबल अचीवमेंट बाय हिमाचल प्रदेश टुगेदर, ठीक है जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है हिमाचल में दैट वॉज सीन टू बी फाइव ठीक है अच्छा टूरिज्म में अगर आप देखो ये आपके ईयर दे रखे हैं 2010, 11, 12 एंड सो एंड सो फोर्थ ये आपके अमाउंट ऑफ इंडियन जो टूरिस्ट आए दिस इज़ योर फॉरेनर्स ठीक है दिस इज़ योर टोटल सो अगर आप ईयर वाइज कंपेरिजन देखो ना तो 2010 में दिस इज़ इन लैक्स 128 लाख राउंड अबाउट ठीक है ये इंडियन थे 4 लाख अबाउट आपके फॉरेनर्स थे अगर आप फर्दर इसको 2020 में देखो बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट तो ओनली 31 लाख आपके पूरे साल में 128 से 31 लाख आप डाउनफॉल देख रहे हो एंड कितना इम्पैक्ट लोगों की रोजी रोटी पे आया होगा देन फॉरेनर्स का अगर आप कंपेयर करो फ्रॉम 4 4.5 लाख राउंड अबाउट इतना ही रहा है यहाँ पे फाइव रहा है फोर फोर थ्री फोर फोर ये आपका जो पहुँच गया पॉइंट फोर थ्री ओनली फोर्टी थ्री थाउजेंड फॉरनर्स हैव विजिटेड हिमाचल प्रदेश ट्यूरिंग कोविड एंड वहाँ से इकॉनमी आपकी कितनी कंट्रोल होती है कितना इम्पैक्ट आया होगा यू कैन इमेजिन सो टूरिज़म बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एंड डोमेस्टिक एज वेल एज़ इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्लो में इम्पैक्ट uh, आया ये मैंने डिस्कस कर लिया क्यों फ़्लाइट्स बंद थी इंटरनेशनल uh, एयरवेज बड़े रिस्की हो गए थे कंसिडरिंग द कंडीशन फ्राम वुहान एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट अगर आप कोविड इम्पैक्ट के बाद देखो जब आपका जो लॉकडाउन था वो हटा दिया गया था उसके बाद आपका एक शार्प इंक्रीज़ देखा गया है टूरिस्ट्स के आने में एंड दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव साइन सो टूरिज्म वी आर सीइंग कि समवेयर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा जाएगा ठीक है दूसरा इसके अलावा जो आपकी हिमाचल गवर्नमेंट है इट हैज़ बिन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन में एज़ यू नो रिमोट एरियाज में आपका टेरेन डिफिकल्ट है तो और जो आपकी रेगुलर पाइपलाइंस हैं दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एंड मोस्टली जो एग्रीकल्चर है दैट डिपेंड्स अपॉन योर मानसून ठीक है जो आपका डायरेक्ट uh, सप्लाई ऑफ वाटर है वो नहीं प्रोवाइड करा जा सकता तो सीजनल जो मॉनसून है उस पर आपकी जो आ, सारी खेती बाड़ी है वो डिपेंड करती है एंड आंसिलरी हॉर्टिकल्चर जिसमें आप Uh, थोड़ा हट के जो चीज़ें वो उगाते हो फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स हनी होप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके ऊपर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है तो उसके रिलेटेड हिमाचल गवर्नमेंट ने काफ़ी काम करा है वो हम वेरियस जो आपकी स्कीम्स uh, आती जा रही हैं वो हम हर वीक जो सैटरडे करंट अफेयर्स है उसमें धीरे धीरे कवर करते गए ठीक है हेम्प कल्टिवेशन वी हैव कवर्ड वेरी होलिस्टिकली तो उस फील्ड में हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत काम करा है तो दैट हैज़ बिन एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ठीक है आई एम टेलिंग यू एवरी शॉर्ट क्रिस्प में जो इम्पोर्टेंट है वही बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे है, बाकी हैं बाकी एम गिविंग यू एन ओवरव्यू चैप्टर वन में आपका दिया हुआ क्या क्या है ठीक है फिर अब आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं आपके अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऐसे पेपर ज गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू टू हेल्प यू इन योर गवर्नेस पेपर प्रलम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है माता शबरी वाली जो योजना थी उसका क्वेश्चन तो कितनी बार आया है कि उसका एस्टिमेट आपका कितना है राइट right? सो so, आपके पूरे चैप्टर में चा, फर्स्ट चैप्टर के एंड में राउंड अबाउट ये लगातार ना कपल ऑफ स्कीम्स दी हुई हैं क्या क्या स्कीम्स हैं फटाफट देख लेते हैं एक बार सो दैट यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम अगर ये क्वेश्चन प्रिलम्स में आ जाए और अगर आपको गवर्नेंस एंड हिमाचल प्रदेश के ऊपर नोट लिखने को दे दिया जाए सो यू नो कि प्रदेश में क्या क्या स्कीम्स अभी करंटली uh, आपकी चल रही हैं ठीक है थीके? तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं हिमाचल गवर्नमेंट काफ़ी लाई हुई है एंड लोगों की भलाई के लिए लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रदेश में भी रन कर रहा है वो देखते हैं ठीक है तो पहली स्कीम है आपकी सोशल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स हैं जो एक सर्टेन एज को अचीव कर चुके हैं जो अपनी लाइवलीहुड नहीं कमा सकते जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते उनको स्टेट गवर्नमेंट भत्ता देती है ठीक है मंथली उनको पेंशन देती है एंड जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट की इन 27 दिसंबर 2017 जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट थी उसका जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें एज लिमिट जो थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 80 टू 70 इयर्स एंड इसमें इनकम की लिमिट नहीं थी ठीक है जो पेंशन है एल्डरली की उसको 60 टू 69 इयर्स से इंक्रीज़ कर दिया था फ्रॉम सेवन हंड्रेड टू एट फिफ्टी पर मंथ एंड सेवेंटी इयरस एंड ज़्यादा से लोगों के लिए जो भत्ता है उसको इंक्रीज कर दिया गया था साढ़े बारह सौ रुपये से लेके पंद्रह सौ रुपये पर महीने का ठीक है तो ये आपका जो ओल्ड एज अलाउंस है जो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स दी हुई हैं देन आपकी सेकेंड जो स्कीम है वो है जनमंच जनमंच क्या है बेसिकली एक प्रोग्राम है टू इम्प्रूव गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी लाए गुड गवर्नेंस लाए कैसे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा जाएगा जनरल पब्लिक के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ताकि उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व करी जा सकें तो बेसिकली क्या होता है एक दरबार टाइप से लगता है नॉट बेस दरबार दरबार इट इज़ कॉल्ड योर एडमिनिस्ट्रेटिव दरबार वहाँ पे आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठे होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो अपने ग्रेवियंसिस बता सकते हो उसकी एक लिस्ट बनती है एंड देन दे आर सॉर्टेड आउट तो जनमंच हैज़ बिन वेरी पॉपुलर काफ़ी अमाउंट ऑफ जनमंच ऑर्गेनाइज हो चुके हैं इवन रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज ठीक है तो बेसिकली जो लोग टैक्स आवी नहीं है जिनको समझ नहीं आता कि कौन से पोर्टल पे या जिनको जाने में दिक्कत है फॉर uh, एग्जांपल अगर आप केलोंग के किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो और आपका एक पर्टिकुलर काम सिर्फ शिमला जाके ही हो पाएगा तो वो टेरेन ना क्रॉस करना पड़े जिसको जाने में प्रॉब्लम है जिसकी ग्रीवियंसिस एड्रेस नहीं हो रहे हैं उनके लिए जनमंच ऑर्गेनाइज़ करा जाता है ठीक है फिर आपकी थर्ड स्कीम है दैट इज़ चीफ मिनिस्टर सेवा संकल्प हेल्पलाइन जिसका नंबर है ग्यारह तो आप इस पर कॉल कर सकते हो थ्रू कॉल्स एंड पोर्टल कंप्लेंट्स हैं इसका एक इंटरनेट पोर्टल भी बना हुआ है तो आप यहाँ पे कम्प्लेंट कर सकते हैं कॉल करके अपनी कोई भी दिक्कत है उसको एंड जो कम्प्लेंट्स हैं उनका रेजोल्यूशन दिया जाएगा आपको सात से दस बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे एंड जो ये आपका फ़ोन नंबर है ये आपकी कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी शिमला में जाके ठीक है नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ स्कीम आती है दैट इज स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना अब एक हायर सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है पेंशन ऑफ वुमेन जिनकी एज है 65 फाइव टू सिक्सटी नाइन ईयर्स एंड इनको सोशल सिक्योरिटी पेंशन ऑफ हज़ार रुपये दे दी जा रही है ये भी एक टाइप का भत्ता है ठीक है अच्छा ये वाली जो स्कीम्स है ना ये उन लोगों को मिलती हैं जो और किसी सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम में पहले से कवर्ड नहीं है ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर ऐसी कोई सिमिलर सी स्कीम है आप उसमें भी कवर हो रहे हो देन uh, आप उसका स्टेट से भी बेनिफिट उठा रहे हो तो ओवरलैप नहीं रहता है स्कीम्स स्पेसिफिक स्कीम्स जो ऐसी होती हैं दे आर ओनली फॉर पीपल जो कहीं भी कवर नहीं हो रहे हैं ठीक है देन आपकी फिफ्थ स्कीम है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना ये बेसिकली वुमेन एम्पॉर्मेंट के लिए है वुमन इशूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसका बेसिक वो है कि हम वुमेन एम्पार वुमेन को एम्पार करेंगे जो पहाड़ में लेडीज जाती हैं ठीक है थीके? आ, आपके लकड़ काट के लाना है ठीक है उसको स्टोर भी करके रखना है तो उसका जो धुआं होता है वो इन्वामेंट को तो नुकसान देता ही देता है लेडीज़ की सेहत पे भी जो उसका एडवर्स इम्पैक्ट आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना थी एंड इसमें हम क्लीन फ्यूल देंगे बेसिकली सिलेंडर्स देंगे एल देंगे टू द फैमिलीज़ कौन सी फैमिलीज को जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कवर नहीं है आई होप यू नो वॉट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज़ इट वॉज लॉन्चड इन विथ ईयर आप कॉमेंट्स में बताएंगे मुझे ठीक है दैट वॉज बेसिकली टू प्रोवाइड द क्लीन फ्यूल सेम रीजन एंड बहुत सक्सेसफुल रही है छोटे सिलेंडर्स दिए गए थे उसमें हैर इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सो so, मुख्यमंत्री वाली जो योजना है वो उन लोगों को मिलेगी जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपके लोग कवर्ड नहीं हैं इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या है प्रोवाइड फ्री गैस कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज एंड वही सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ठीक है अब सिमिलरली आपकी एक स्कीम है हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम हिम केयर इसमें फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा पीपल ऑफ स्टेट हु आर नॉट कवर्ड अगेन अंडर आयुष्मान भारत स्कीम जो भी आयुष्मान भारत स्कीम में कवर्ड नहीं है उन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा अंडर हिम केयर स्कीम प्रदेश के लोगों को सिर्फ हिमाचल वालों के लिए नाउ ना आयुष्मान भारत स्कीम देख लेते हैं क्या है इस स्कीम का एम बेसिकली क्या है कि फ्री हेल्थ एक्सेस मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का टू लो इनकम अर्नर्स वही बी पी वालों के लिए ये डेटा दे रखा है कितने लोगों को गोल्डन uh, कार्ड्स मिले फ्री ट्रीटमेंट मिला कितने करोड़ रुपए खर्च हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन आती है आपकी अटल आशीर्वाद योजना अटल आशीर्वाद योजना बेसिकली आपकी है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हॉस्पिटल में जिनका uh, जन्म हो रहा है जिनकी डिलीवरी हॉस्पिटल्स uh, में हुई है उनको न्यू विजिटर किट मिल रही है न्यू विजिटर किट मिल रही है जिसको नवागंतुक किट बोलते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड बारह सौ रुपये है इसमें बच्चों के जो न्यूबॉर्न बेबीज के यूज़ की चीज़ें हैं जो उनको एजेंशियल आइटम्स हैं बेसिकली वो होते हैं एंड यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि उसमें ऑलमोस्ट कितना पैसा आपका अब तक जा चुका है ठीक है तो अटल आशीर्वाद योजना देन है आपका चीफ मिनिस्टर्स मेडिकल असिस्टेंट फंड इसमें हम क्या करेंगे मेडिकल असिस्टेंट देंगे पुअर लोगों को जो लोग मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दैट आर सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज़ेज फॉर एग्जांपल आपका कैंसर हो गए फेटल डिसीज़ेज हो गई सीरियस डिसीज़ेज़ जिनके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ से हम चीफ मिनिस्टर असिस्टेंट फंड देंगे गरीब लोगों को अच्छा ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो चंडीगढ़ में पीजीआई है या दिल्ली में एम्स है उन सब को डायरेक्ट करा गया है एंड वहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है इतना पैसा अराउंड इन लोगों के ट्रीटमेंट में अब तक जा चुका है देन अगेन आती है आपकी नेक्स्ट स्कीम चीफ मिनिस्टर्स फ्री मेडिसिन स्कीम जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को जो गरीब लोग हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपकी कुछ फ्री चीज़ें बेसिक जो मेडिकल केयर की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं जैसे कि इंजेक्शंस नीडल्स बैंडेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिस इंक्लूड्स बेसिक फर्स्ट एड का सामान एंड बेसिक दवाइयाँ हो गई आपकी खांसी जुकाम की पैरासीटामोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो प्रोवाइड की जाती है एंड इसमें फिर अगेन डेटा दिया हुआ है कि अराउंड दो करोड़ रुपये इसमें स्टेट खर्च कर चुकी है सी बजट वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कितना पैसा खर्च हुआ है बिकॉज बजट में गवर्नमेंट ने प्रपोज करा सो so, दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन की उनको पता हो कि हमारी सरकार कहा कितना पैसा खर्च कर रही है ठीक है सो दिस इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट अब आती है आपकी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्वावलंबन का बेसिक हिंदी मीनिंग होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम खुद से काम कर रहे हैं तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम यूथ जिसकी एज 18 से 45 साल के बीच में है उनको इंकरेज करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड इसमें 18 नई एक्टिविटीज़ को आपको इंक्लूड करा गया है विमेन के लिए पाँच साल की जो अपर एज लिमिट है उसकी रिलैक्सेशन दी गई है एंड अरबाउट वन फोर्टी सेवन करोड़्स रुपीज इसमें एज सब्सिडी प्रोवाइड करा जा रहा है टू पीपल हु आर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम ठीक है फिर आती है आपकी मुख्यमंत्री सहारा योजना ये योजना बेसिकली है हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे तीन हजार रुपये का तीन हजार रुपये का टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीजेस एंड उनके अटेंडेंट्स को ठीक है जो हैं इकोनमिकली वीकर सेक्शन से जो ई से हैं एंड डायरेक्टली उनके खातों में जाती है इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा थोड़े मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा अगेन ये वाली जो स्कीम्स हैं आप यू कैन अवेल देयर बेनिफिट ओनली इफ यू आर नॉट कवर्ड इन अंडर एनी अदर स्कीम ठीक है तो एक आपको इसमें ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा एंड मेडिकल रिकॉर्ड लगाने पड़ेंगे एंड पर मंथ देन यू कैन अचीव रिसीव इतना तीन हजार रुपये का असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्मेंट अंडर मुख्यमंत्री सहारा योजना देन आती है आपकी मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम में क्या होगा हम एंटरप्रेन्योरशिप जो आपके छोटे एम एस एम इंडस्ट्रीज़ हैं छोटे छोटे जो गृह उद्योग होते हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं अमंग द यूथ ऑफ द स्टेट इसमें हम पच्चीस हज़ार रुपये देते हैं पच्चीस हजार रुपये पर महीना दिया जाएगा टू ट्रेनी फॉर एक साल के लिए एंड जब वो अपना बिजनेस सेटअप करने आ जाएंगे तो असिस्टेंस अप टू तीन लाख रुपये तक का उनको प्रोवाइड करा जाएगा तीन सालों के अंदर ठीक है अंडर इनक्यूबेशन सेंटर्स इनक्यूबेशन सेंटर उसको बोलते हैं जहाँ पे उनका जो भी सेटअप है वो स्वरूप ले रहा है ठीक है ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स को इसका बेनिफिट मिला है एंड कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स इसमें आगे जाके प्रमोट हो रहे हैं फुल फ्लाजेड बिजनेसिस में डेवलप हो रहे हैं छोटे छोटे जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं ना उनको इसका बेनिफिट बहुत मिला है फॉर एग्जाम्पल मशरूम की खेती हो रही है अगर आप मशरूम को ऐसे ही मार्केट में भेज रहे हो तो आपको उसके शायद उतना अच्छा प्राइस ना मिल पाए अगर आप उसको प्रोसेस करके भेज रहे हो फॉर एग्जाम्पल उसको क्लीन कर रहे हो उसके ऊपर ऑर्गेनिक ब्रांडिंग हो रही है उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हो रही है ताकि वो डिग्रेड ना हो तो आपको उसके बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन इन योर फॉरेन कंट्रीज़ आपका अब्रॉड में जो भी uh, सामान जाता है स्पेशली द फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं सो so अगर ये आपका प्रॉपर इसको प्रोसेस करके बेचा जाए तो इसकी कॉस्ट आपको बहुत अच्छी मिल जाती है वो प्रोसेसिंग uh, प्लांट्स जो सेटअप होते हैं बेसिकली इनक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर हिमाचल में उसका बहुत प्रचलन है तो दीज आर कमिंग इन टू प्ले बाकी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए हैंडमेड आपकी क्रीम्स हो गई फिर आपका ब्रास का जूस आ गया इसके स्कॉश वगैरह हिमकू जो आपका काफ़ी सेल आउट करता है वो छोटे छोटे गृह उद्योगों ने भी बनाने शुरू कर दिए हैं तो दे आर वेरी प्रोमनेंट देन आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कन्यादान योजना बेसिकली आपकी शादी के लिए तो जो एक्सट्रीम डिस्टिट्यूट वुमेन है उनके लिए उनकी शादी कराने के लिए कि सब कुछ प्रॉपरली हो जाए सो चीफ मिनिस्टर फंड से उनको इक्यावन हज़ार रुपये मिलता है ठीक है एंड अगेन वही डेटा दिया हुआ है कि कितने लोगों को इसका बेनिफिट अब तक मिला है देन आती है आपकी बेटी है अनमोल योजना वेमेन एम्पावेंट के लिए कंसिडरिंग जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनकी लाइन पे ही बिकॉज uh, काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट है जो दोनों गवर्नमेंट्स आपकी करंटली बीजेपी रूल्ड है तो बेटी है अनमोल योजना इज ऑन द लाइंस ऑफ बेटी बचाओ बेटी, बेटी पढ़ाओ एंड योज इसका जो स्कीम का बेसिक एम है वो क्या है कि जो लड़कियों की तरफ बेसिक एटीट्यूड है आ, पहाड़ में वो चेंज करा जाए उनको सेल्फ एम्पावर्ड बना जाए ऐसा नहीं है कि उनको अंडर एज में आप शादी करके अपन आ, शादी करके अपने घर से विदा कर दो ठीक है तो अराउंड इक्कीस हज़ार रुपये उनके नेम के अंडर डिपॉजिट करा जाता है फॉर बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ एंड ये लड़कियां एडल्ट होने के बाद 18 साल से ऊपर होने के बाद इसका बेनिफिट उठा सकती हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन एंड वट एवर इफ़ दे वॉन्ट टू सेटअप अ बिजनेस उससे रिलेटेड अपने अपनी फील्ड्स में ठीक है एंड पर फैमिली दो डॉटर्स दो लड़कियों को इसका बेनिफिट मिल सकता है जैसे हिमाचल में गवर्नमेंट जैसे हिमाचल में ये स्कीम है ऐसी ही सिमिलर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी स्कीम सिमिलर लाइंस पे निकाली हुई है देन ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज हुई थी इसका एक राउंड मंडी में हुआ था एंड इसका एम बेसिकली क्या था हम प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टेट ठीक है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें काफ़ी एमओयूज मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए ठीक है एंड इसका बेनिफिट क्या हुआ प्रदेश के जो यूथ है उसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ये अराउंड अबाउट एम्प्लॉयमेंट देगा आपका अस्सी हजार लोगों को हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए इफ द प्रोजेक्ट्स दे ब्लूम ठीक है इन द स्टेट बट अभी बेसिक अस्सी हज़ार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने के आसार है ठीक है नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी हर घर पाठशाला जिसमें कोविड के टाइम पे आपके स्कूल बंद थे तो अंडर दिस क्या करा गया व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए वेरियस ऑनलाइन इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में कोई रुकावट ना आए तो हर घर पाठशाला के अंडर हमने ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करा एंड इससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं वो लिए देन आई आपकी स्वर्ण जयंती सुपर हंड्रेड स्कीम स्वर्ण जयंती सुपर हंड्रेड स्कीम में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं क्लास ग्यारहवीं क्लास के फ्रॉम क्लास इलेवेंथ उनको जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिले इन क्लास टेंथ उनको मिला एक लाख रुपए का इंसेंटिव आप इसको इंसेंटिव बोलो या स्कॉलरशिप बोल लो ठीक है इनको मिली छात्रावृत्ति स्कॉलरशिप मिली वन लाख पर स्टूडेंट फॉर ट्रेनिंग जो ये ट्रेनिंग है ये किसी टेक्निकल कोर्स का ले सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं तो सौ बच्चों को स्वर्ण जयंती सुपर जयंती स्कीम जो टॉप हंड्रेड बच्चे थे उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिला तो हिमाचल गवर्नमेंट ने इस लाइन में बहुत काम करा है नेक्स्ट आती है आपकी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना तो इस स्कीम के अंडर जो एम्फेसिस दिया गया वो जो नेचुरल फार्मिंग है उसके ऊपर इंफोसिस दिया गया एंड जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको किस तरह से कम करा जाए इंक्लूडिंग जो केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स उसको रिड्यूस करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किस तरीके से करा जाए बिकॉज हिमाचल गवर्नमेंट का अभी करंट टारगेट इज़ प्रमोटिंग ब्रांड ऑर्गेनिक हिमाचल ठीक है तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में काफ़ी इन्वेस्टमेंट रही है देन जल से कृषि को बल योजना है आपकी नाम से ही बड़ा क्लियर है ना जल से कृषि को बल अंडर दिस स्कीम हमने क्या करा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी एज आई टोल्ड यू एनसेलरी हॉर्टिकल्चर जो है आपका एन हॉर्टिकल्चर ये बड़ा बूम पे हैं अभी स्टेट में इसको बहुत प्रमोट करा जा रहा है जिसमें आपके वेरियस मशरूम्स हनी हॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनकी प्रमोशन करी जा रही है जिनकी सेल वैल्यू बहुत है एफर्ट जिसमें कम लगता है एंड इनकी मार्केट में किसानों को वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है तो इसको प्रमोट करा जा रहा है बींग हिमाचल का जो वेदर है जो यहाँ की मिट्टी है दैट इज़ सपोर्टिव ऑफ़ टेम्परेट सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स जिसका ऑल ओवर इंडिया ना खेती बड़ी कम जगह हो सकती है तो वी आर ब्लेस्ड विद द जोग्राफी उसका मैक्सिमम बेनिफिट अभी उठाने जाने की कोशिश हो रही है ठीक है इसमें हम चेक डैम्स बनाएंगे पॉन्ड्स बनाएंगे एट सूटेबल प्लेसेज एंड गवर्नमेंट इसका हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडिचर आपको सिर्फ रजिस्टर कराना है गवर्नमेंट इसका हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडिचर है वो खुद बेयर करेगी तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है सो so, याद रखेंगे जल से खेती को बल योजना देन चीफ मिनिस्टर्स फार्म प्रोटेक्शन स्कीम है जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना तो इसमें आपका बेसिकली जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस है बेसिकली उसमें भी जो मेजर इंफोसिस है वो है आपका सोलर सब्सिडी पे तो 80 परसेंट सब्सिडी मिलेगी आपकी इंडिविजुअल सोलर फेंसिंग पे 80 सॉरी अबाउट दैट एट्टी परसेंट सब्सिडी मिलेगी आपकी इंडिविजुअल सोलर फेंसिंग पे ठीक है एट्टी फाइव परसेंट आपको मिलेगी ग्रुप बेस्ड सोलर फेंसिंग पे देन फिफ्टी परसेंट ऑन बाब्ड एंड चेन लिंक्ड फेंसिंग बाब्ड मतलब जो कांटे वाली तारें नहीं होती जो जिससे प्रोटेक्शन रहती है खेत की तो बाब्ड एंड चेन लिंक्ड फेंसिंग पे एंड सेवेंटी परसेंट कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट मतलब मिली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स ठीक है सो बेसिकली आपके खेतों की रखवाली के लिए खेतों की राखी के लिए जो भी प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर्स फार्म प्रोटेक्शन स्कीम आपकी लॉन्च करी गई है ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बिकॉज 80 परसेंट अराउंड अबाउट गवर्नमेंट आपका एक्सपेंडिचर बेयर कर रही है ठीक है अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे किसान भाइयों को ना आधी साधन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता सो मिडल मैन का फायदा उठा के ले जाते हैं सो जस्ट इन केस इवन इफ़ यू फाइंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं आई है तो आप अपने गाँव में जाके लोगों को बता सकते हो कि गवर्नमेंट के पास ये ये स्कीम्स भी हैं आप इनका बेनिफिट उठाओ ठीक है अल्टीमेटली यू पीपल आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन एवरी पॉसिबल वे यू कैन अभी से ठीक है देन आती है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसमें इनकम सपोर्ट हम जो असिस्टेंस दे रहे हैं वो छः हज़ार रुपये का दे रहे हैं पर ईयर तीन इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा दो हज़ार दो एंड ये हम देंगे स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को ठीक है अगेन डेटा दिया हुआ है कि कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला देन आता है आपका जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन हमने पहले अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करा है एंड चंबा बनी है आपकी हंड्रेड स्टेट हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट बनी है चंबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है प्रिलिम्स में डायरेक्ट आंसर आ जाए इवन आंसर राइटिंग में इट इज गोइंग टू हेल्प यू तो जल जीवन मिशन का बेसिक एम क्या है सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा हर घर को सो so, कनेक्शंस कितने हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं एंड इसमें कितना खर्चा आया है वो आपका मैंशन करा गया आप पी डी एफ में देख सकते हैं ठीक है देन हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना पुष्प क्रांति योजना क्यों इंपॉर्टेंट है एक फ्लार मंडी भी सेटअप हुई है कहाँ पे हुई है हमने पहले डिस्कस करा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो सी इट एंड अगर देखी है तो प्लीज़ मैंशन इट इन कॉमेंट्स कि कहाँ पर फ्लार मंडी अभी हिमाचल की रिसेंटली बनने जा रही है तो इस स्कीम के अंदर एट्टी फाइव परसेंट सब्सिडी एट्टी फाइव परसेंट सब्सिडी मिल रही है सेटिंग अप फॉर पॉली हाउस पॉली टनल एंड कमर्शियल फार्मिंग ऑफ फ्लार्स को प्रमोट करने के लिए क्योंकि इंडिया में बहुत ह्यूज अमाउंट लेवल पे जो आपके फ्लार्स हैं स्पेशली जो एक्जोटिक फ्लावर्स हैं वो फॉरेन से इंपोर्ट करे जाते हैं जिसकी वजह से आ, हमारा जो एक्सचेकर पे बर्डन है वो बहुत ज़्यादा आता है दूसरा इनकी जो कॉस्ट है डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है प्लस जो इनकी किसानों को वैल्यू मिल सकती है वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है विद लेस एफर्ट वो बहुत ज़्यादा है एज आई सेड हिमाचल की जोग्रफी टेम्परेट जो आपके अब्रॉड से फ्लावर्स आते हैं उनकी खेती को सपोर्ट करता है एंड गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि आप उसका बेनिफिट मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए ठीक है तो हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है फ्लार्स के वो भी वेव ऑफ कर दिए गए हैं आपके पास एक जस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आप उसको अगर रोड टैक्स दिखा देते हैं तो जो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ कर दिए गए हैं ठीक है तो दिस इज़ अबाउट हिमाचल पुष्प क्रांति योजना सो दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर वन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है क्या क्या हमने कवर करा इसमें आप वो याद रखेंगे एंड इकोनॉमिक सर्वे के ना अपने छोटे नोट्स बना लीजिए कीप ऑन रिवाइजिंग दैम कॉन्टीन्यूअसली दिस इज़ ऑल फॉर टुडे विल मीट ऑन वेडनेसडे विद योर स्टैटिक पोर्शन एंड ऑन नेक्स्ट सैटरडे विद योर चैप्टर टू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे दिस इज़ ऑल फॉर टुडे राइट स्टेट यूनियन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू सो मच